सो गाइस, एक्सपेरिमेंट नंबर वन में हम क्या करेंगे, इस आलू को दो ईंटों के बीच में रखेंगे एंड हम लोग चेक करेंगे कि आलू में कुछ डैमेज हो पाता है या नहीं हो पाता। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इस ईंट पे मार के देखेंगे प्रेशर को कि ईंट को तोड़ पाते हैं नहीं पाता। एंड ये जो ईंट है इस पर कीचड़ बुरी तरह से लगा हुआ है, तो हम इसको वॉश करके देखेंगे। देखो देख सकते हो कीचड़ जो बुरी तरह से लगा हुआ है, तो हम इसको वॉश करके देखेंगे कि क्या इतना कीचड़ उतारने में सक्षम है ये प्रेशर वॉशर। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट होगा आलू का होगा, उसके लिए मैं दो ईंट डिफरेंट लूँगा एंड वो दो ईंटें ये रखी जिन पर मैंने अभी एल्गे उतारी थी। तो वो एल्गे वाला भी एक्सपेरिमेंट अपना सक्सेसफुल ही हुआ था ऑलमोस्ट। तो अभी एक बार वो लेके चलता हूँ वहाँ पे, ठीक है। रेत उतार पाएगी या नहीं उतार पाएगी प्रेशर वॉशर, क्योंकि हमारी गाड़ी का हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इतना रेत जो होगा वो गाड़ी पे शायद लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब इसको मार के देखते हैं, थोड़ा दूर मार के देखता हूँ आलू पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर जो है कितना तेज है। सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, गलती इंसान से होती है एंड कल जो है मैंने जो अपना प्रेशर वॉशर यूज़ कर रहा था उस टाइम उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ करी थी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा लाइफ की जो है अपने प्रेशर वॉशर का प्रेशर कितना ज़्यादा है ईटो से, और तीन चार चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने वाला। तो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड अगर स्कूटी की रिस्टोरेशन देखनी है तो हर्षवान वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर है रिस्टोरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो बिना इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोगों, कल जो है मैंने वीडियो डाली थी, आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद देखो भाई, इंसान जो है वो आदमी जो है गलतियों का पुतला होता है, ठीक है। तो उसमें भाई कई कमेंट्स ये आए कि भाई जो मैं ये गन है इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं बन पा रहा। तो देखो भाई, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था तो मुझे प्रेशर ठीक लगा। आज जो है मैं प्रॉपर वे से एकदम तैयार करके देखता हूँ कि भाई जैसे आप लोगों ने मेरे को सजेस्ट करा कि भाई ऐसे करो, उस तरीके से करते हैं। और एक दो इसमें कमेंट भी थे कि जो प्रेशर है वो अप टू द मार्क नहीं है, एक भाई बोले थे टुल्लू पंप जैसा प्रेशर है। तो भाई आज जो है मैं इसको रिमूव करके देखूंगा, पहले आपको दिखाऊंगा गलती मैं क्या कर रहा था एंड इसके बाद उसको रिमूव करके देखेंगे कि प्रेशर में कुछ डिफरेंस आता है नहीं आता। एंड उसके बाद जो है मैं अल्टीमेट ब्रेक टेस्ट करने वाला हूं कि भाई ये कितना तेज प्रेशर इसमें आता है, ठीक है। तो वी विल सी कि कैसा कुछ प्रेशर है। तो अभी जो है मैं एक बार कनेक्शन कर लेता हूँ फटाफट इसका एंड उसके बाद वीडियो बिना टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले भाई लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, कनेक्शन जो है मैंने वो कर दिया है, यानी कि मतलब सब कुछ अपना कनेक्ट एकदम बढ़िया से कर दिया है। मोटर आपको दिख रही होगी एकदम से, फ्रेम में नहीं दिख रही तो मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, मोटर दिख रही होगी आपको फ्रेम में, यहाँ से दिख रही है ना। तो अब सीन क्या, हम यहाँ से एक बार मोटर को ऑन करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपको सुन रहा होगा कि अपनी जो मोटर है यानी कि वॉशर है, प्रेशर वॉशर, वो ऑन हो चुका है। तो गाइस, अभी तक मैं क्या गलती कर रहा था मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो कि मैंने जो है रिकमेंडेड क्या होता है बेसिकली, ये जो है आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के बाद ही जो है आपका जो ये वॉशर है, गन है, अच्छे से प्रेशर फेंक पाएगी। और मैं क्या कर रहा था, मैं डायरेक्ट देखो ऐसे मार रहा था सीधे, ठीक है, जिसमें इतना डिले हो रहा है, अभी तक पानी नहीं निकला है, ठीक है। इतने डिले का रीज़न ही ये था कि मैं डायरेक्ट ऐसे मार रहा था, ये देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन मेरे कई भाइयों ने मुझे बताया कि मेरे को क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन मेरे को ये है कि मेरे को इसको गन को खोलना होगा एक बार आगे से, यहाँ से खोलने के बाद एक बार जो है फ्लो निकालना होगा पानी का अच्छे से। सो गाइस, अपने को क्या करना होगा कि पहले जो है इसको हटाना होगा, रिमूव करने के बाद अपने को इसमें से पहले जो एक्स्ट्रा हवा है वो निकालनी होगी। एंड अगर आपको वहाँ पे नोटिस आ रहा होगा पाइप जो है उसमें भी आपको पानी आता दिखेगा, तो एक बार पहले यहाँ से आप देख सकते हो कि इतनी हवा तो पहले ऑलरेडी है, मैंने मोटर नहीं चला रखी अभी, ठीक है, इतनी हवा तो ऑलरेडी थी। एंड यहाँ से मोटर ऑन करते हैं, यहाँ से हमने जो है मोटर ऑन कर दी एक बार, तो एक बार इसमें से एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो निकालना पड़ेगा अपने को। तो वैसे ये देख सकते हो कि यहाँ से जो है पानी का फ्लो बन चुका है, पर अपने को पहले एक बार हवा निकालनी होगी और एक बार सारा पानी सही से आ जाए। आप देख सकते हो कि एक प्रॉपर फ्लो जो है बन चुका है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना होगा, यहाँ से जो है इसको गन को लगाना होगा आगे, इसकी नोजल को लगाना होगा एंड उसके बाद हम लोग जो है प्रेशर चेक करते हैं कैसा प्रेशर आ रहा है। तो वैसे आप चेक कर सकते हो कि प्रेशर जो है कितनी दूर तक एकदम बढ़िया जा रहा है। तो काफ़ी सही प्रेशर जो है इसके बाद आ चुका है। सो गाइस, ये सब निकालने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली कि प्रेशर कितना ज़्यादा आ चुका है। तो थोड़ा टाइम लगता है मोटर को भी सेट होने में, एक बार अब मैं दिखाऊँ आपको, देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो कि प्रेशर है वो काफ़ी स्पीड से आ रहा है। तो
गाइस अब हम जो है चेक करते हैं कि इसका प्रेशर कितना तेज है। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्राई ये जो अपनी एल्गे लगी हुई है यानी कि इस पे, इसी से ट्राई करते हैं गाइस सबसे पहले। गाइस देख सकते हो कितना अल्टीमेट जो है एकदम साफ कर रहा है। एंड इससे भी अगर नई बात बन रही है आप लोगों की तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई। सो गाइस एक्सपेरिमेंट नंबर वन में हम क्या करेंगे, इस आलू को दो ईंटों के बीच में रखेंगे एंड हम लोग चेक करेंगे कि आलू में कुछ डैमेज हो पाता है या नहीं हो पाता। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इस ईंट पे मार के देखेंगे प्रेशर को कि ईंट को तोड़ पाते हैं नहीं पाता। एंड ये जो ईंट है इस पे कीचड़ बुरी तरह से लगा हुआ है तो हम इसको वॉश करके देखेंगे। देखो देख सकते हो कीचड़ जो बुरी तरह से लगा हुआ है तो हम इसको वॉश करके देखेंगे कि क्या इतना कीचड़ उतारने में सक्षम है ये प्रेशर वॉशर। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट होगा आलू का होगा, उसके लिए मैं दो ईंट डिफरेंट लूँगा एंड वो दो ईंटें ये रखी जिन पर मैंने अभी एल्गे उतारी थी। तो वो एल्गे वाला भी एक्सपेरिमेंट अपना सक्सेसफुल ही हुआ था ऑलमोस्ट। तो अभी एक बार वो लेके चलता हूँ वहाँ पे, ठीक है। सो गाइस ये आलू इधर उधर ना सरके इसके लिए जो है मैं एक सपोर्ट एक्स्ट्रा और लगा देता हूँ और इस तरफ से थोड़ा और प्रेस कर देता हूँ। उम्मीद तो ये कि नहीं सरकेगा। सो अपना जो है अब देखते हैं प्रेशर आता है तो आ गया प्रेशर। एंड कंपेरेटिवली मेरे से पूछा जाएगी पिछली बार से क्या प्रेशर अभी तेज़ आ रहा है, तो हाँ थोड़ी जल्दी आ रहा है। एनीवेज अब जो है मैं इसमें मार के देखता हूँ आलू पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर जो है कितना तेज है। तो गाइस आलू जो है वो तो फट चुका है। एंड एक मिनट मेरे को कैमरा साफ करना पड़ेगा बिकॉज कैमरे पे पानी जो है लगा हुआ है, तो एक मिनट रुकिएगा। इस कैमरे पे पानी लग चुका था। एनीवेज आप यहाँ पे आलू देख सकते हैं कि आलू जो है फट चुका है। तो वापस एक बार देखते हैं एंड वापस जो है प्रेशर आ जाए। तो वैसे प्रेशर की बात करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आलू जो है वो पूरा आर पार हो चुका है। इधर से आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हो, दिख रहा है ना, आलू जो है आर पार हो चुका है। एंड मेरा फ़ोन भी पूरा भीग चुका है। खैर अपने भाइयों के लिए कुछ भी, इधर से दिखाऊं तो आपको एकदम से दिखेगा, आप जैसे मैं प्रेशर मारूंगा तो ये आलू टूट जाएगा। इसको लगना तो चाहिए पहले टूटने के लिए, थोड़ा फंसा देते हैं बीच में, अब टूटेगा। तो वैसे आलू की हालत तो वैसी थी, तो आलू को हटाते हैं। अब अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि क्या ये जो है इस पर कुछ डैमेज कर पाएगी ईंट पे, तो लेट्स सी। तो वैसे लेट्स सी कुछ डैमेज कर पाता है नहीं कर पाता ये। तो गाइस ईंट की बात करूं तो भाई देखो जैसा उसमें आता है कि भाई हाँ ईंट की हालत ऐसी हो गई थी, मतलब थंबनेल्स में मैंने देखा है कि ईंट पे निशान पड़े हुए दिखाते हैं। तो भाई देखो आप लोगों के सामने है ऐसा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ईंट पे कोई भी निशान नहीं पड़ा हुआ है मेरे भाई लोग। तो आप लोग देख सकते हो खुद कि आपको उन वीडियोज़ पर विश्वास करना है नहीं करना। मेरे को तो आप लोगों के सामने बस जो है एक लाइव ऐसा डेमो रखना था जिसमें मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर बता पाऊँ कि भाई हाँ क्या है क्या नहीं है। तो इसने कुछ ईंट पे नुकसान नहीं दिया है, हालांकि थोड़ा बहुत जो है झड़बड़ गया है, बट उसके अलावा ईंट पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। अब आता है फाइनली अपना मेन एक्सपेरिमेंट भाई लोग कि इसकी जो है रेत उतार पाएगी या नहीं उतार पाएगी प्रेशर वॉशर। क्योंकि हमारी गाड़ी का हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इतना रेत जो होगा वो गाड़ी पर शायद लगा हुआ हो सकता है, ठीक है।
तो लेट्स सी, अब इसमें मार के देखते हैं, थोड़ा दूर हो जाता हूँ मैं। वैसे तो इसने पहले उसमें ही बिना प्रेशर उठाए ही जो है साफ कर दिया इसको, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे, बट एक बार प्रेशर उठ जाए तो गाइस पूरा प्रेशर जो है आ चुका ऑलमोस्ट, एंड लेट्स सी कि ये कैसे साफ करता है इसको। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो कि ईंट जो है भाई वो तो पूरी साफ़ हो चुकी है। सो गाइस अपने केस में आप लोगों ने देखा कि भाई जो अपना ये है ईंट है वो अच्छे से साफ़ हो चुकी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो है ईंट को करने की कोशिश करी, वो नहीं हुई। मेरा एक बार मन कर रहा है कि मैं इस आलू को दोबारा से बीच से भी तोड़ूँ। अब हम देखते हैं इसका कि भाई ये बीच से जाता है नहीं जाता। तो भाई आलू की बात करें तो आलू का कचालू हो चुका है पूरा, एंड ऐसा कुछ है अपना आलू। तो भाई आलू तो खैर होता टाइट है, बट आलू पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते खास। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो भाई, इस वीडियो का एक छोटा सा मकसद मेरा ये था आप लोगों को दिखाना कि भाई जैसा अपने को यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि भाई इन पे दरारें वरारें पड़ जाती हैं, सो अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेम सीन में अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ईंटों पे कोई डैमेज आया हो। हाँ, इन पे जो रेत वेत था वो ज़रूर उतर गया, बट ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट में बात करूँ तो प्रेशर ठीक है, मतलब बहुत अच्छा प्रेशर है इसका कि आपकी गाड़ी अच्छे से धुल सकती है, एंड इससे ज़्यादा प्रेशर हमें ऑब्वियसली बात चाहिए भी नहीं। एंड आप देख सकते हैं भाई मेरे दोस्तों ने रेट्स का क्या हालत कर दी। तो एक बार हटा दूँ दोस्तों को एंड यहाँ से पानी मार देता हूँ। चलो पुश 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 पुश। तो भाई यहाँ से रेट्स को आगे से गंदा कर दिया, तो एक बार ये गाड़ी तो इंस्टेंटली साफ हो जाती है भाई। ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी इसकी कि गाड़ी अगर आपकी गंदी हो तो इंस्टेंटली बस एक बार ऐसे पानी मार दो और बढ़िया से जो है एकदम साफ हो जाएगी। तो वैसे थोड़ा ये रोड उखाड़ के देखते हैं कि उखड़ता है नहीं, उखड़ता है इससे एक बार प्रेशर बन जाए। एंड भाई रोड तो उखड़ रहा है यार, मतलब रोड सही मायने में उखड़ रहा है। तो वैसे रोड उखड़ रहा है आपको दिख रहा होगा। खैर भाई लोग, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, एंड आपने देखा होगा कि कैसा कुछ है इसका प्रेशर। तो मैंने आप लोगों के सामने सब कुछ लाइव कर दिया, एकदम दिखा दिया आप लोगों को कि कैसा कुछ प्रेशर है कैसा नहीं है। तो इट्स टोटली अपॉन यू कि आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। एंड रिस्टोरेशन की बात करूँ तो ये हर्ष चौहान वाले चैनल पर आज से इसकी वीडियो डालनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो मेक श्योर आप इसकी रिस्टोरेशन देखने लग जाएं। हर्ष चौहान वाले चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं ऐसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा मैंने जो है आज आपको प्रेशर वॉशर का प्रेशर दिखाया, गाड़ी धोने के लिए अल्टीमेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सोचे कि आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं एंड आपको ईंट वीट तोड़नी है जैसा और वीडियोस में दिखाया जाता है,
तो एज सच कुछ मैंने देखा नहीं एंड आप लोगों को सही में दिखा भी दिया, तो आप लोगों को डिसाइड करना कि आपको खरीदनी है नहीं खरीदना है, आपके ऊपर टोटली खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप खरीद सकते हैं। एनीवेज भाई लोग आज वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हो पसंद आई, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर शाम पर मिलेगी आपको रिस्टोरेशन की वीडियो स्कूटी की, तो वहाँ जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं तब तक, बाय।